नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरा एक ही शब्द आपका पूरा जीवन बदल कर रख देगा आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर मात्र। जी हाँ दोस्तों, अगर हमारे इन बातों पर अगर आपको यकीन ना हो ना, तो इस वीडियो को एक बार शुरू से लेकर अंत तक देखकर आजमा लेना कि यह बात कितना सत्य होता है या फिर कितना गलत होता है। जी हाँ दोस्तों, पहले सर्वप्रथम जो भी भगवान भोलेनाथ और शनिदेव के सच्चे भक्त हैं, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय भोलेनाथ जय शनिदेव मात्र 3 बार लिखना है। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ और शनिदेव की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी और जीवन काल में संकट आने से पहले खत्म होंगे, तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। तो आए दोस्तों, बात करते हैं। हम आप सभी को बता दें कि दोस्तों, आप ये बात मत कहना कि ये तो हर एक व्यक्ति के जीवनकाल में होता है, दुख तो सभी के जीवनकाल में आते हैं, समस्याएं तो सभी जीवनकाल में आते हैं, ये तो आप ये बात तो आप रोज ही कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को यहाँ से एक बार बाहर लेकर जाना चाहते हैं कि दोस्तों, जब ईश्वर ने इस धरती की रचना की है ना, तो हर एक व्यक्ति के जीवनकाल में एक ही जैसे सवालात खड़े करते हैं, एक ही जैसे मंजर लाकर खड़े करते हैं, और वह व्यक्ति किस तरह से उस मंजर से उभरता है, उन्हीं को देखकर ईश्वर उनके कर्मों का फैसला करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मानकर चलिए आपके जीवनकाल में अगर आपके जीवनकाल में कोई भी दुख समस्याएं चलती रहती है, तो दोस्तों ये नहीं कि आपके ही जीवनकाल में वो दुख और समस्याएं चलती रहती है। दोस्तों, और भी इंसान इस धरती पर है जिनके जीवनकाल में आपकी ही तरह सेम समस्याएं चलती रहती है, और वह व्यक्ति किस प्रकार उस समस्याओं से निकल सकता है वो उन पर निर्भर करता है। जी हाँ दोस्तों, मानकर चलिए ये जो वीडियो लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, लेकिन दोस्तों कुछ लोगों के मन के अंदर ऐसे ख्याल होंगे कि वीडियो को थोड़ा सा हम स्किप कर देंगे, थोड़ा सा हम वीडियो को पार कर लेंगे, लेकिन उन्हीं में से कुछ ऐसे लोगों के माइंडसेट होंगे जो लोग चाहते हैं अपने जीवनकाल को बदलने के लिए, वो लोग बातों को बहुत ज़्यादा गौर से सुनेंगे। तो दोस्तों, इन्हीं में दो व्यक्ति में अलग अलग फर्क आ जाता है। तो दोस्तों, इसी प्रकार समस्याएँ आपके भी जीवनकाल में आती है, दूसरे के भी जीवनकाल में आती है, क्योंकि दोस्तों समस्याएं अगर नहीं है तो दोस्तों ये धरती ही नहीं है। भगवान ने इस धरती का नाम कलयुग इसलिए रखा है कि कलह का यह युग है। जी दोस्तों, हर कार्यों में कलह होता है। कलह यानी कि हार्डवर्क, मेहनत, परिश्रम के बावजूद ही आप यहाँ पर कुछ चीज़ों को पा सकते हैं, और जो लोग अपने कार्यों में मेहनत करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, पूरी तरह से सच्चे दिल से लग जाते हैं, और वही कार्य जब कलह के बाद संपूर्ण हो जाता है, पूरा हो जाता है, तो पूरी दुनिया में उनका नाम बन जाता है कि यह कार्य है, ये बहुत बड़ा कार्य है, और उन कार्य के साथ उनका भी नाम आता है कि इस कार्य को इस व्यक्ति ने किया है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इसी प्रकार आपके भी जीवनकाल में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आती रहती है, और आप इनसे अनजान रहते हैं, आप जानते हैं, फिर भी आप कभी कभी इनसे भूल जाते हैं कि चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं है, हम अगली बार ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, बहुत सारी समस्याओं को आप इग्नोर कर देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके जीवनकाल में कोई भी समस्याएं आती है ना, तो आपको ये समझना है कि ये समस्या नहीं, ये आपके सफलता का शिखर है। जी हाँ दोस्तों, किसी भी चीज़ में, किसी भी कार्य में आप लगे हैं, अगर उनमें आपको असफलताएँ मिली है, तो आपको ये जानना है कि यह सफलताएँ नहीं, यह आपकी जीवनकाल की तजुर्बा है जो आपको आगे गलती करने से बचाएगा, जो आगे आपको डटकर खड़े रहने में सामर्थ्य प्रदान करेगा। जी हाँ दोस्तों, बस आपको अपने जीवनकाल को पॉजिटिव सिरे से देखना है कि कोई भी गलत कार्य हो, लेकिन दोस्तों उनमें आपको अपने अंदर अगर पॉजिटिविटी ला देते हैं, तो दोस्तों अपने फेलियर्स में भी आप सफल हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर कुछ नहीं मिला है तो आपको अपने फेलियर्स में आपको तजुर्बा ज़रूर ही मिलेगा। और दोस्तों, हमारे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग के ऐसे सवाल आते हैं कि गुरुजी, हम अपने जीवनकाल में परेशान हैं, शत्रु की वजह से परेशान हैं, हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा परिश्रम करते हैं, फिर भी हमें फल नहीं मिल पाता है। तो हम आप सभी को एक ही बात बताना चाहेंगे कि हमारा एक ही शब्द आपका जीवन बदल देगा, यही शीर्षक है। इसलिए दोस्तों, आप सभी को हम एक ही बात बताना चाहेंगे, कभी भी आपके जो दुश्मन हैं, आपके जो शत्रु हैं, वे आपको खुश नहीं देखना चाहेंगे, आपके हर कार्यों में वे रोड़े की तरह आगे डट कर रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, और अगर आप उन्हें अपने जीवनकाल में निकालने में सफल रहते हैं, तो दोस्तों आपका जीवन
बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। आप कोई भी कार्य करो, आप कितना भी मेहनत करो, कितना भी परिश्रम करो, लेकिन जो आपके विरोधी होते हैं वे आपको सफलताओं को देख नहीं पाते हैं। वे हमेशा आपके ऊपर लांछन लगाते हैं, वे हमेशा आपको ब्लेम करते हैं, आपको ही गलत ठहरा देते हैं, चाहे आप कितनी भी बड़ी तरक्की क्यों ना हासिल कर लो। तो दोस्तों, ऐसे में आपको अपने आप को नीचा नहीं समझना है, नीचे अपने आप के स्तर को नहीं लेकर जाना है कि दोस्तों आप जो हैं आपके जैसा कोई नहीं है। अगर आप यह बात को समझ लेते हैं तो दोस्तों आप ईश्वर की उस दिव्य शक्ति को पालेंगे जो ईश्वर आपको देना चाहता है। कि दोस्तों ये जीवन कला का युग भले ही हो, लेकिन दोस्तों अगर जो इस मंत्र को पा जाता है कि उनके जन्मकाल में जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और अच्छा क्यों हो रहा है ये बात को वह जान लेता है, तो दोस्तों उनके जन्मकाल में सचमुच वह ईश्वर की उस दिव्य शक्ति को प्राप्त कर लेता है। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों हम थोड़ा आपके स्वभाव के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों आप दिखने में भले कितना ही अक्रूर क्यों ना हो, आपकी राशि के लोग जितना भी हैं, दिखाने में इतना कितना ही अपने आप को इसी हाई लेवल के में कितना भी दिखाने क्यों ना प्रयास कर ले, लेकिन दोस्तों आप अंदर से जो होते हैं ना, अंदर से बहुत ज़्यादा आप लोग नरम दिल के इंसान होते हैं। आप हमेशा हर चीज़ों को, हर कार्यों को, हर समय को महसूस करते हैं, उन्हें जानना चाहते हैं, उन्हें दिल से अपने अंदर लेना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, और कभी भी आप किसी का बुरा नहीं सोचते हैं, यह बात बिल्कुल सत्य है। ये बात हमने कभी भी बहुत सारे वीडियो में भी बताए हैं, लेकिन दोस्तों जो सच बातें होती है वह एक बार नहीं 10 बार भी रिपीट होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आप कभी भी किसी का बुरा भी नहीं सोचते हैं कि चलो इसका बुरा कर लेंगे। क्योंकि दोस्तों आप लोग जो होते हैं ईश्वर पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। आप जानते हैं कि ईश्वर जो है कर्म का फल देते हैं, अगर हम बुरा करेंगे तो बुरा कर्म हमें बुरी तरीके से ले डूबेगा। लेकिन दोस्तों कभी कभार आपके जन्मकाल में ऐसी सिचुएशन आते हैं, ऐसी समस्याएं खड़ी हो जाती है, जब आपको लगने लगता है ये जो हो रहा है हमारे साथ, ये अब गलत हो रहा है, ईश्वर हमारे साथ गलत कर रहे हैं, ईश्वर को ये नहीं करना चाहिए, ईश्वर अगर देख रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है हमारे साथ, अनर्थ हो रहा है। तो दोस्तों इन सभी में हम आपको एक ही बात बताना चाहेंगे, एक ही शब्द बताना चाहेंगे कि दोस्तों ईश्वर कभी भी आपके साथ बुरा नहीं कर सकता, और ना ही ईश्वर कभी भी आपके साथ बुरा किए हैं। बस दोस्तों आपको यह बात समझना है कि ईश्वर जो भी आपके साथ कर रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है, और क्या अच्छा कर रहा, बस आपको इसी चीज़ को ढूंढना है। कि दोस्तों अगर आपको ईश्वर समस्याएं दे रहा है तो दोस्तों वो समस्याएं नहीं, आपको जीवन जीने का तरीका बता रहा है कि जन्मकाल में किस प्रकार सफलताओं को हासिल करना है, किस प्रकार लोग अगर आपको धोखा दे रहे हैं तो दोस्तों लोग नहीं धोखा दे रहे, वो ईश्वर आपको बता रहे हैं कि ये चीज़ तुम्हारे लिए कितना गलत साबित होता है, कितना गलत साबित भविष्य में होगा। और अगर वो लोग आपको आज के इस समय में धोखा दे देंगे तो दोस्तों कल फिर आप किसी और पर विश्वास करना छोड़ देंगे, जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियां करना छोड़ देंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ है जिनमें आप लापरवाह रहते हैं उन सभी को करना छोड़ देंगे। तो दोस्तों ये जो ईश्वर है ना, ये बहुत गहरी तरीके से हमें समझाना चाहता है, बस हमें उन्हें समझने की आवश्यकता होती है कि हमारे साथ क्यों हो रहा है। दोस्तों कल किसी के साथ अगर एक्सीडेंट भी हो जाते हैं तो वो सोचने लगता है कि हमारे साथ बहुत बुरा हो गया है, हमने कभी गलत कार्य नहीं किए हैं, या फिर हम जीवनकाल में हमेशा लोगों के भले के ही बारे में सोच रहे हैं, और हमारे जीवनकाल में वह घटना क्यों हो जाती है। तो दोस्तों वर्ष में ऐसे सीजन में आपको ये समझना है कि आप उस समय लापरवाह ज़रूर हैं अपने जीवन को लेकर, तभी आपके जीवनकाल में ईश्वर इतना बड़ा ठोकर आपको दे रहे हैं कि आगे से आप ऐसी लापरवाही ना करें, अपने जीवनकाल को लापरवाही तरीके से बिल्कुल ना गुजारें। कि दोस्तों जो ईश्वर है हमें लिमिटेड समय ही देते हैं इस जीवनकाल को जीने के लिए, दोस्तों ऐसे में अपने जीवनकाल को बिल्कुल भी लापरवाह तरीके से नहीं जीना है, बस आपको ये बात अपने अंदर लाना है। और कोई भी कार्य करें दोस्तों, सबसे पहले आपको सोचना है कि यह कार्य गलत है या फिर सही है। दोस्तों जब तक आप इन चीज़ों को नहीं सोचेंगे तो दोस्तों आपको कभी भी सही राह नहीं दिख सकता। दोस्तों जो व्यक्ति सोच समझ कर फैसला लेता है, दोस्तों उन्हें पहले ही पता होता है कि यह कार्य हमारा सफल हो जाएगा या फिर असफल हो जाएगा, क्योंकि पहले से उन्होंने निष्कर्ष करके रखा है कि इस तरह से जाएंगे तो हमें ये मंजिल मिलेगा, और अगर हम इस तरह से जाएंगे तो हमें ये मंजिल मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति चोरी करके आगे बढ़ रहा है तो उन्हें इस चीज़ का डर हमेशा लगा रहेगा
कि हम कभी भी पुलिस के चक्कर में फंस सकते हैं या फिर हमारा जीवन कहीं भी ठप लग सकता है। और दोस्तों, जो लोग मेहनत करते हैं, जो लोग अपने जीवनकाल में परिश्रम करते हैं, ईश्वर के कर्म पर विश्वास रखते हैं कि कभी ईश्वर हमारे साथ गलत नहीं कर सकते, दोस्तों वो लोग कभी भी अपने जीवनकाल में नाखुश नहीं होते हैं। हमेशा अपने फेलियर्स में भी, अपने असफलताओं में भी वो लोग खुश रहते हैं, क्योंकि दोस्तों उन्हें पता है कि ये फेलियर्स हमारे लिए हमारी सफलताओं की एक वजह है, कि हमें पता चल चुका है कि यह कार्य इस तरह नहीं होगा, उस तरह होगा। और फिर वह इस तरह के जो रास्ते हैं उन्हें छोड़कर दूसरे रास्ते पर चलते हैं और फिर वह सफलताओं को प्राप्त करते हैं। ठीक दोस्तों, इसी प्रकार हमारा जीवन है। ईश्वर इस जीवन में हमें जब भेजे हैं तो दोस्तों बहुत सारे रास्ते देकर भेजे हैं, बहुत सारे नियम, बहुत सारे कार्य देकर भेजे हैं, जिनमें हम करके, जिनमें हम फंस के, जिनमें हम रह के अपने जीवन यापन करते हैं। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को ईश्वर सब कुछ दे दे तो दोस्तों उस व्यक्ति के लिए यह कलयुग नहीं, बिल्कुल ही एक ऐसा मंजर लगेगा जहां पर उनके आसपास कोई भी व्यक्ति नहीं है। जी हाँ दोस्तों, क्यों दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आप जिस भी स्थिति में अभी हैं, जो भी लेवल पर हैं, जहां भी हैं, दोस्तों आपके नीचे भी लोग होंगे और आपके ऊपर भी लोग होंगे, बशर्ते दोस्तों आपको यह चीज़ पता नहीं है कि अपने जीवनकाल को इन्जॉय कैसे करना है। जी हाँ दोस्तों, आप हमेशा ऐसे कभी कभी सोचते हैं, हमेशा तो नहीं सोचते, कभी कभी सोचने लगते हैं जब आपके साथ कोई बड़ा व्यक्ति आ जाता है तो आप सोचते हैं कि हम तो कुछ ही नहीं है, हम तो बेकार ही हैं। लेकिन दोस्तों, जब आप ये बात सोचते हैं तो आप डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हमसे ये बड़ा व्यक्ति है, और जब आप अपने से कुछ छोटे व्यक्तियों को देखते हैं तो भी आपको ऐसा लगता है कि ये तो हमसे छोटा है, हम तो बहुत अच्छा है, फिर वश में आप खुद को मोटिवेटेड फील करते हैं। तो दोस्तों, इन सभी चीज़ों को आपको बस बैलेंस करके रखना है कि ईश्वर सभी कुछ धरती पर भेजे हैं, जो जैसा कर्म किए हैं वे उन्हीं स्तर पर रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे चीज़ों को सोचकर कभी भी अपने आप को नाखुश नहीं करना है कि हम किसी के सामने कुछ नहीं है या फिर हमारे सामने कोई कुछ नहीं है। बस दोस्तों, आपको ये चीज़ जानना है कि जो जैसा किया है उनको ईश्वर वैसा ही फल दिया है। ईश्वर कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करते हैं। जो लोग अच्छे कर्म करते हैं उन्हें अच्छा फल देते हैं। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपसे बहुत बड़े हैं। दोस्तों, वे क्यों बड़े हैं यह बात भी आप जानते होंगे। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते हैं तो भी दोस्तों यह बात आपको जानना चाहिए कि ये लोग बड़े नहीं है, इन्हें ईश्वर बड़ा करके रखे हैं, क्योंकि इन्होंने कभी तो अच्छे कर्म किए होंगे, तभी तो इनका फल इन्हें मिला है। वरना दोस्तों, हर लोगों को ईश्वर ऐसा नहीं है कि सबको बड़ा ही बना दे। और दोस्तों, आप भी किसी से कम नहीं है, आप भी सबसे बड़े हैं। बस आपको ये चीज़ जब समझ आ जाएगी तो दोस्तों आप भी कहेंगे कि गुरु जी, आपकी ये वीडियो तो हमारे जीवनकाल के लिए सबसे बड़ा वरदान साबित हो गया, हमारा तो ये जीवन ही बदल गया। जी दोस्तों, इसलिए हमारा यह बात अपने जीवनकाल में याद रखिएगा कि दोस्तों, अगर आपके जीवनकाल में आपको लोग धोखे देते हैं या फिर आपको असफलताएँ मिलती है, आप हमेशा कभी कभी ऐसे सोचते हैं कि ये कार्य हमसे नहीं होगा, ये कार्य कैसे होगा, तो दोस्तों इन सभी बातों को सोचकर आपको अपने समय को बर्बाद नहीं करना है, अपने समय को नष्ट नहीं करना है। बस दोस्तों, आपको ये सोचना है कि चलो ये कार्य अगर हमें मिल गया है तो हमें ही यह कार्य करना है, अगर मुश्किल भी परिस्थिति मिला है तो हमें ही यह कार्य करना है, अगर आसान भी समय मिला है तो हमें यह कार्य करना है, हमें इनमें संभालना है। कि दोस्तों, अगर सुख का समय आता है वश में, आपका एक अहंकार आपके उस समय को नष्ट कर सकता है, आपकी बनी बनाई मंजिल को भी ध्वस्त कर सकता है। तो दोस्तों, जब भी जीवनकाल में सुख आए तो दोस्तों अहंकार बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये समय कट जाता है, समय है, समय बदल जाता है, कोई भी चीज़ इस धरती पर परमानेंट नहीं है। और कोई भी समय आपके जीवनकाल में असफलताएं हाथ लगती है, लोग आपको बुरा कह देते हैं, लोग आपको धोखा दे देते हैं, तो भी आप खुद को आपको नाखुश नहीं करना है, तो भी अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना है कि दोस्तों ये भी समय है, ये भी कट जाएगा और आगे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा खुशी देने वाले हैं, बस आपको उनकी तरफ बढ़ना है और आगे चलते रहना है। कि दोस्तों आगे ईश्वर है, बस आपको उन्हें पहचानना है, ईश्वर आपको रास्ते दिखा रहे हैं। अगर आप पीछे की बातों को सोचकर अपने समय को नष्ट करेंगे, पीछे की बातों को याद करके आप समय को नष्ट करेंगे, तो दोस्तों आगे ईश्वर जो आपका इंतजार कर रहा है, दोस्तों उन तक पहुंचने में आपको विलंब लग जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बस आपको अपने नजरिए को हमेशा पॉजिटिव बनाकर रखना है कि जो भी आपके साथ हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। अगर आपको लोग धोखे दे रहे हैं तो वो अच्छा हो रहा है,
आपको उनसे कुछ सीखने को मिल रहे हैं, या फिर कोई असफलता आपको हाथ लगी है तो दोस्तों वो भी आपके लिए अच्छा हो रहा है, उनसे आपको कुछ सीखने को मिला है। साथ ही अगर आपके जीवनकाल में कोई इंसान आपसे आगे तक पहुंचा है तो दोस्तों वो भी अच्छा है, क्योंकि उनसे भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा कि यह इंसान कैसे आगे गया है। बस आपको दोस्तों हर चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से लेकर जाना है, क्योंकि दोस्तों ये जो जीवन है सकारात्मक तरीके से अगर आप व्यतीत कर लेंगे तो दोस्तों जीवन बिल्कुल ही आपके खुशियों से भरा रहेगा। जी हाँ दोस्तों, जीवनकाल में ईश्वर ने आपको जो क्षण दिए हैं उन्हें बिल्कुल ही अच्छी तरीके से जिए, अच्छी तरीके से इंजॉय करें, अच्छी तरीके से ऑब्जर्व हर कार्यों को करें और दोस्तों ईश्वर पर हमेशा विश्वास करें। बस यही जीवन का कटु सत्य है। अगर आप यह बात को समझ गए हैं, अगर आपको ये बातें अच्छी लगी है तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर ही लाइक कीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी जीवनकाल की इन सच्चाइयों को जानने का मौका मिले और वो भी अपने जीवनकाल में सफल हो। दोस्तों इनमें भी आप पुण्य के भागीदारी बन सकते हैं। बस वीडियो को शेयर करना है और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपका आने वाले समय शुभ हो इसी कामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।